यहीं कहीं होंगे। तुम दोनों उस तरफ जाओ, तुम इस तरफ देखो वहां पर, बाकी वहां जाओ। अशोक, इतनी रातों कहां से आ रहे? वो ये सब क्या हो रहा है आचार्य? वो तीनों जिन्हें विरोध के रूप में बंदी बनाया गया था वो भाग गए। वो विद्रोही नहीं है आचार्य। मुझे ज्ञात है अशोक कि वो तुम्हारे मित्र हैं, पर एक प्रभारी राजा ने उन्हें विद्रोही घोषित किया है और उन्हें विद्रोही मानकर उन्हें ढूंढना मेरा दायित्व होता है। अशोक, मैं आशा करता हूं कि उनके भागने में तुम्हारी कोई सहभागिता नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तीनों राजभवन के बंदीगृह से भागे, इसलिए अच्छा संदेश प्रसारित नहीं होता। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। अशोक, तुम्हारा कुछ सामान गिरा है। इतनी रात्रि में तुम यहां क्या कर रहे हो? जी आचार्य, मुझे पता चला कि वो तीनों भाग गए। मैं चलता हूं, शुभ रात्रि। क्या कर रही हो? उस सम्राट को कुछ लिखने के लिए पत्र एवं कज्जल की आवश्यकता थी, तो मैं उनके लिए। ये कार्य तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं, इस कार्य के लिए सम्राट के सेवक हैं। तुम अतिथि हो। सम्राट तो पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, और उनकी सेवा करना तो किसी भी मनुष्य के लिए सौभाग्य की बात है। लाओ ये मुझे दो और जाकर विश्राम करो। जी। बच गई मैं, पर मुझे शीघ्र ही बिंदुसार को मारने का कार्य पूर्ण करना होगा। उल्का, यह अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए अत्यंत मूल्यवान भी है। खास आपके लिए निकाली गई है सम्राट। किसी को भी सम्राट की उपस्थिति का भान नहीं होना चाहिए, समझे? सम्राट की उपस्थिति? कहाँ है सम्राट? यहाँ सम्राट नहीं है। लगता है आपसे कोई भूल हुई है। महोदय, मैं समझता हूँ कि सम्राट की सुरक्षा मेरी सुरक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। सम्राट यहाँ पधारे हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है, और मुझे उनके सेवा का अवसर भी प्राप्त हुआ है। मेरा तो पूरा वंश ही धन्य हो गया। आप निश्चिंत रहिए, उज्जैनी में संकट आ सकता है, लेकिन यहाँ कोई भी संकट नहीं आ सकता। संकट कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, किंतु मेरा मानना यही है कि संकट समीप आते ही उस पर आक्रमण करके उस संकट को समाप्त कर देना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तो सम्राट रुके हुए हैं। आपको अवश्य ही कोई भूल हुई है हमें पहचानने में। मैं अपने ही गांव के लोगों को पहचानने में भूल कैसे कर सकता हूँ? तुम उल्का ही हो। मानना पड़ेगा, आप बिल्कुल सही पहचाना। मैं यहाँ सम्राट की मुख्य सेविका का कार्य कर रही हूँ, इसलिए गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है। क्या आप सम्राट की मुख्य सेविकाओं में से हैं? क्या आप मुझे सम्राट के दर्शन करवा सकती हैं?
अवश्य। क्या हुआ, कोई कष्ट? अखंड भारतवर्ष के निर्माता परम ज्ञानी आचार्य चाणक्य के होते हुए किसी को कैसा कष्ट? तुम्हारा परिचय क्या है? किंतु मैं तो अपना परिचय आपको पहले ही दे चुकी हूँ। वो तुम्हारा परिचय नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार तुम सम्राट के समीप जाने का प्रयत्न कर रही हो, उससे किसी को भी तुम पर संदेह हो सकता है। सम्राट ने मुझे अपनी शरण में लेकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। वे तो मेरे लिए ईश्वर के समान है, और अपने ईश्वर के समीप आना, उनकी सेवा करना, इसी को तो भक्ति कहते हैं ना आचार्य जी। तुम्हारी भक्ति पर मेरी दृष्टि रहेगी। आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। अवश्य। पंजीकरण से कैदी भाग जाते हैं, और वो भी वहां से जहां की सुरक्षा व्यवस्था के उत्तरदायी आप हैं। बताइए ये कैसे संभव है? संभव तो है किसी की सहायता से। इन तीनों के अतिरिक्त वहाँ कोई और भी था, और आपके सैनिक उसका मुंह देख रहे थे। मेरे सैनिक ने उसे देखा, किंतु उससे पहले ही हो गया। आप एक बात बताएं, मगध सेना में आए आपको कितने वर्ष हो चुके हैं? क्योंकि आपको अभी तक ये भी समझ में नहीं आया कि राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था कैसे कड़ी की जाए। कोई भी राजभवन में घुस जाता है, कोई भी यहां से भाग जाता है, कैसे संभव है? सेनापति आक्रमण किए मत भूलिए, ये राजभवन है इसलिए मगध है, ये राजभवन है तो आपका अस्तित्व है। यदि आप किसी चूक के कारण ये राजभवन ही नहीं रहे, तो सोचिए आपका क्या होगा। उनके भागने के कारण मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। मैं प्रभारी राजा हूं, पर वो दिन दूर नहीं जब मैं केवल प्रभारी नहीं राजा बनूंगा, मगध का सम्राट बनूंगा। और यदि आपसे ये सब माना नहीं जा रहा, तो त्याग पत्र दीजिए और जाके विश्राम कीजिए। क्या हुआ? मेरी बातें चुभ रही हैं, तो चुभने दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जाइए। वो तीनों जहां कहीं भी छुपे हो, वहां से उन्हें पकड़ के वापस बंदीगृह में डाल दीजिए, और पता कीजिए वो कौन विद्रोही है जिसने इन तीनों की सहायता की। भावी सम्राट की अपेक्षाएं पूरी कर सकते हैं आप? मुझे तो नहीं लग रहा। यदि मैं उन्हें ढूंढने में असफल रहा, तो इस सेनापति पद से स्वयं त्याग पत्र दे दूंगा। दो दिन है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि मैं आपको इस पद पे क्यों बने रहने दूं। जाइए। सुशीम,
थोड़ा विश्राम कर लो। मगध की इतनी चिंता करोगे तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। वो तीनों बाहर जाकर मेरा उपहास कर रहे होंगे। कैसे बंदी ग्रह तोड़कर उन्होंने प्रभारी राजा के मुंह पे तमाचा मारा। महत्वपूर्ण ये कि जब इस खेल का अंत होगा तब हम हंस रहे होंगे। और देखो ना, हमने तो उनसे उनकी भूमि भी छीन ली, विस्थापित कर दिया है। और क्या चाहिए? ये सब कुछ हमने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी विजय के लिए। तुम पे हंसने से वो विजय नहीं हो जाएंगे। महारानी बिल्कुल ठीक कह रही हैं राजन। वो हंसते हैं तो उन्हें हंसने दीजिए, परंतु हमने तो आपका भविष्य सुरक्षित किया है। कल यदि सम्राट बिंदुसार आपको अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं भी करते तो हमने भूमि अधिग्रहण द्वारा जो धनराशि संचित की है उसका उपयोग कर हम बड़ी सरलता से हमारी सेना खड़ी करेंगे और उसकी सहायता से पाटलिपुत्र को छीन लेंगे। मैं ये धनराशि सम्राट बनने के लिए व्यर्थ नहीं करूंगा, क्योंकि सम्राट तो मैं ही बनूंगा। पिताजी महाराज मुझे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। मैं इस धन से जो सेना बनाऊंगा उससे केवल मगध ही नहीं, सिकंदर की भांति पूरी संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए उपयोग करूंगा। पर इस समय मुझे पता लगाना है कि वो कौन है जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया। पता लगाइए महामात्य कि किसकी सहायता से वो तीनों यहां से भागे थे। जी राजन। अशोक को बुलाइए। अशोक? अशोक चाहता था कि मैं उसके मित्रों को मुक्त कर दूं, और अचानक उसके मित्र भागने में सफल हो जाते हैं। क्या आपको ये किसी प्रकार का संयोग लगता है? जी। सुनो, जाकर राजकुमार अशोक से कह दो कि उन्हें प्रभारी राजा ने उनके समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। दास्तान के कदमों की आहट पहचानते हैं हम। तुम दास्तान नहीं हो सकते। जाओ और उसे बुलाकर लाओ। इतनी अच्छी तरह जानती हो दास्तान को, तो फिर उसे मारना क्यों चाहती हो? हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ किया है, खून बहाया है, अपनी जान खतरे में डाली, और तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से हमसे सब कुछ उगलवा लोगे? जाओ और दास्तान को बुलाकर लाओ। सैनिकों, इसकी तकलीफ और बढ़ाओ। यदि प्रश्न मुझसे था तो फिर आपने मेरी माँ को यहाँ क्यों बुलाया? ये
जिसकी माँ का नाम ही धर्मा हो वो किसी प्रकार का असत्य कहकर अधर्म न करें, क्योंकि ऐसा करने से ना केवल तुम अपराध करो बल्कि अपनी माँ का हृदय भी दुखाओ। इसलिए मैं असत्य नहीं बोलता। देखा माँ, अभी तो उस दिन उसने झूठ बोला कि इसका अपहरण हो, वो सत्य था। सत्य वो होता है जिसका प्रमाण हो, और जिसका प्रमाण नहीं होता उसे असत्य कहते हैं। अशोक, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, अशोक सत्य कहेगा। कितना विश्वास है ना आपको आपके पुत्र पर। अब देखिए अशोक मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, जब कल तुम्हारे मित्र बंदी गृह तोड़ के भाग रहे थे तब तुम कहां थे? अब क्या हुआ, सत्य बताने से डर रहे या ना बोलकर सत्य छुपाने का प्रयास कर रहे हैं? मेरी अखंडता सत्य निष्ठा पर प्रश्न उठाकर मुझसे मेरे सारे अधिकार छीनकर फिर से मुझे अपराधी सिद्ध करना चाहते हैं? नहीं नहीं अशोक, तुम समझ नहीं रहे, तुम मेरे छोटे भाई। ए सियामोग और ध्रुपद के बाद ही मुझे तुम्हारी चिंता है, पर एक बात स्मरण, मैं प्रभारी राजा होने का दायित्व भी निभा रहा हूं और उसके निर्वाह में निष्पक्षता बनाए रखनी होती है मुझे। मुझे मगध के उस शत्रु को ढूंढना ही है जिसने ऐसा दुष्कृत्य किया, उसने मगध की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है, न्याय व्यवस्था को चुनौती दी है। ये छोड़, मुझे लगता है मैंने तुमसे कुछ पूछा था, उत्तर दो। ज्यादा हुआ था झूठ, सत्य झूठ। आक्रमक ने तुम्हें देख लिया था? हाँ देखा था, किंतु उन तीनों के भागने के पश्चात। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे ये बताया कि वो तीनों भाग गए। तो ये प्रमाणित करो कि जब वो तीनों भाग रहे थे तुम अपनी कक्ष में थे। कक्ष में? मैंने कब कहा कि मैं कक्ष में था? अभी तो तुमने कहा। क्या कहा? कि तुम जागे हुए। हाँ, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ ना कि मैं अपने कक्ष में ही जागा हुआ था। मेरे साथ शब्दों का खेल मत खेलो अशोक। चलो तुम जागे हुए, अब ये बताओ तुम कहाँ जागे? सत्य बता, तुम्हारी माँ का विश्वास संबद्ध है इस सत्य से? जिसकी माँ का नाम ही धर्मा, वो किसी प्रकार का असत्य कहकर अधर्म ना करे। चुप क्यों? कहो। मैं साक्षी। अशोक मेरे साथ था। हम अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय पे कुछ चर्चा कर रहे थे, वो भी हमारे कक्ष में। बहुत हो गया पुत्र सुशील, अब तो आपको आपका उत्तर मिल गया है ना, अब तो अशोक को जाने दीजिए। नहीं, मुझे अभी भी संदेह है कि अशोक उन विद्रोहियों की सहायता करने का प्रयास करेगा, इसलिए अगले 7 दिनों तक अशोक को राजभवन से बाहर जाना निषेध है। आप भी जाइए, विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ आहार लाती हूं।
धन्यवाद आचार्य। अशोक, जोशीम तुम्हारा अपमान करने का अवसर ढूंढ रहा है। वो हर संभव प्रयास कर रहा है तुम्हें फंसाने का, किंतु मैं तुम्हारी रक्षा तभी कर सकता हूँ जब तुम मुझे पूर्ण रूप से सत्य से अवगत कराओगे कि तुम क्या कर रहे हो। मुझ पर विश्वास रखिए आचार्य। अशोक, एक तुम ही तो हो जिस पर पूर्ण विश्वास है। काश आचार्य चाणक्य यहां होते तो मैं उन्हें अपनी सारी बातें बता सकता। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.